हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में नॉर्थ इंडिया के बाकी बचे हुए मेगा प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करने का टारगेट है। पार्ट वन में जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज बच गई थी उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दिल्ली, चंडीगढ़ के एक एक और बाकी बचे तीन राज्य यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के दो दो मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 8, दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे। आज अगर आपको भारत की राजधानी नई दिल्ली से चंडीगढ़ तक जाना हो तो कितना समय लगता है? करीबन 5 से 6 घंटे, और अगर ट्रैफिक ज्यादा रहा तो शायद इससे भी ज्यादा। लेकिन अगले आने वाले 2 से 3 सालों में यह समय घटकर महज 2 घंटों का रह जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस वक्त टाइट शेड्यूल के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड, ट्रांस हरियाणा और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर काम कर रही है, जो दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी को 20 किलोमीटर तक कम कर देंगे। नंबर सुनने में भले ही छोटा सा लग रहा होगा कि अभी दोनों के बीच की दूरी करीबन 260 किलोमीटर की है और 6 घंटे लगते हैं, तो 240 किलोमीटर में आखिर 2 घंटे कैसे लगेंगे? वो इस तरह होगा कि ये पूरा का पूरा रास्ता लगभग एक्सप्रेसवे से होकर गुजरेगा। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए लोग कुल 4 से 5 एक्सप्रेसवे से होकर गुजरेंगे, जहां गाड़ियों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक रखने की अनुमति होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक द्वारका एक्सप्रेसवे से यात्री अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, जिसके बाद वो केएमपी एक्सप्रेसवे तक पहुंचेंगे। 10 किलोमीटर के केएमपी एक्सप्रेसवे में ड्राइव करने के बाद दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को पकड़ना होगा, जिसमें 80 किलोमीटर की ड्राइव उन्हें ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे तक पहुंचाएगी, जो कि उन्हें अम्बाला और फिर चंडीगढ़ तक पहुँचा देगा। दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों ही भारत की यूनियन टेरिटरीज हैं और ये एक्सप्रेसवे 2023 तक इन दोनों ही यूनियन टेरिटरीज की कनेक्टिविटी को काफ़ी अच्छा करने वाला है। नंबर 7, द्वारका इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर दिल्ली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर द्वारका सेक्टर 45 में आपको आने वाले समय में हांगकांग, शंघाई और सिंगापुर जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट एंड क्राफ्ट कन्वेंशनल सेंटर देखने को मिलने वाला है। 25,703 करोड़ रुपयों की लागत से इस पूरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को बनाने का प्रस्ताव है। 80,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैले 2 एग्जीबिशन हॉल्स और 10,000 गेस्ट की सिटिंग कैपेसिटी के साथ एक कन्वेंशन सेंटर इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में बनकर तैयार हो जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीबिशन होल्ड करने, ट्रेड फेयर्स या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सबमिट को आयोजित करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा, और शायद आपको यहाँ जल्द ही G20 समिट भी देखने को मिल सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में बनाकर तैयार करने का प्रस्ताव है, जिसे नवंबर 2017 में यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। इस पूरे एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में एक अरेना, एक होटल, ऑफिस स्पेसेस, दिल्ली मेट्रो और रोड कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी चीज़ों का भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसके पहले फेज का कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट भारत की ही एक कंपनी लार्सन और टुब्रो को दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को वैसे 2010 में सबसे पहले सोचा गया था, लेकिन तब सिर्फ ये एक सोच ही थी जिसे आकार 2017 में आकर मिला। 2025 तक इस पूरे प्रोजेक्ट का काम खत्म हो जाएगा और पूरा होने के बाद ये लगभग 5 लाख के आसपास रोजगार के अवसर को पैदा करेगा, जो भले ही ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो बेरोजगारी को कम जरूर कर सकता है। नंबर 6, फरीदाबाद कन्वेंशन सेंटर हरियाणा। द्वारका के साथ साथ फरीदाबाद में एक और बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है, जो हरियाणा का पहला इंटरनेशनल लेवल कन्वेंशन सेंटर भी होगा। पिछले साल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा था। बनने के बाद ये कन्वेंशन सेंटर नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर हो सकता है। प्राइमरली इसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मीटिंग, कॉरपोरेट, इंडस्ट्री, आर्ट्स, फिल्म फेस्टिवल और ऐसी ही कई तरीकों के इवेंट्स के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार
इसमें सबसे पहले तीन हॉल्स में करीबन 4000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसका मेन हॉल करीबन 2500 लोगों की कैपेसिटी रखेगा और दो और बड़े हॉल्स बनाए जाएंगे जिसमें 1500 लोग बैठ सकेंगे। कन्वेंशन सेंटर को नेशनल हाईवे और मेट्रो से भी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसी के अंदर एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट बनेगा जो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ एक वक्त में करीबन 5000 लोगों को सर्विस दे सकेगा। एक डबल लेवल की अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाई जाएगी जहां करीबन 2000 तक गाड़ियों को आसानी से पार्क किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी चीज़, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ग्रीन कॉन्सेप्ट में बेस्ड है, मतलब यहाँ पर रिन्यूएबल सोलर एनर्जी का ही इस्तेमाल होगा। ग्रीन हाउस गैसेस का कम से कम एमिशन किया जाएगा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग जैसी चीज़ों पर भी इस वक्त इस प्रोजेक्ट में खास ध्यान दिया जा रहा है। नंबर 5, ₹1,246 करोड़ पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स। इसी साल फरवरी में हरियाणा के CM की अगुवाई में हुई एक मीटिंग में हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड ने हरियाणा में अलग अलग कैटेगरीज के 4 मेगा प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए करीबन 1,246 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दे दी थी। इसमें 30.06 करोड़ रुपये आरती ग्रीन टेक लिमिटेड, 65.94 करोड़ रुपये अडानी विलमार लिमिटेड, 298.08 रुपये वंडर सीमेंट लिमिटेड और करीबन 852 करोड़ रुपये एम्प्रिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड को देने की बात कही गई थी। CM का कहना था कि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट से वो अपने राज्य में इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब रहेंगे, साथ ही ये कुछ डेवलपमेंट और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ के युवाओं के लिए खोलेगा जो कि राज्य की इकोनॉमी के लिए भी बेहतर होगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक अडानी विलमार लिमिटेड इस वक्त एक लीडिंग एग्रो और फूड प्रोसेसिंग कंपनी है जो राज्य में इस प्रोजेक्ट के तहत राइस मिल, एक्सट्रैक्शन प्लांट्स और राइस ब्रांड ऑयल रिफाइनरी जैसी प्रोजेक्ट्स को स्थापित करेगी जो सीधे 600 से 1000 लोगों को रोजगार देगा। और ऐसी ही कुछ फर्दर डिटेल्स उन बाकी कंपनीज के लिए भी गवर्नमेंट ने जारी की थी जिनका नाम इस प्रोजेक्ट के तहत लिया गया था। खैर, ये प्रोजेक्ट अभी नया है, इसी साल फरवरी में इस पर बात हुई है और अभी देखते हैं कि कब तक इसके पूरे होने का डेडलाइन आता है। नंबर 4, जयपुर स्मार्ट सिटी राजस्थान। जैसा कि आपको पता होगा कि इस वक्त भारत में 100 स्मार्ट सिटीज पर काम किया जा रहा है और राजस्थान का जयपुर भी उनमें से एक है। जयपुर का ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2015 से ही ऑपरेशनल है। जयपुर स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत सरकार मुख्य 3 चीज़ों पे फोकस कर उनके डेवलपमेंट पर काम कर रही हैं और वो 3 चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर। इस प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जयपुर में आपको आने वाले समय में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा जो कि उनकी इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी बेहतर होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत जयपुर में स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, सोलर एनर्जी, स्मार्ट एजुकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्ट पार्किंग और पब्लिक बाइक शेयरिंग जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। जयपुर का काफ़ी हद तक का पैसा आज भी टूरिज्म से ही आता है और आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जयपुर में टूरिज्म को भी बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। साथ ही कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए जयपुर में शिवदासपुरा एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जाना है और अंदर की कंजेशन को काफ़ी हद तक कम करने के लिए वहां पर एक रिंग रोड को बनाने का भी प्रस्ताव है जिसमें करीबन 120 करोड़ रुपयों का खर्चा आ सकता है। जयपुर का बाकी बचा स्मार्ट सिटी का आइडिया लगभग वैसा ही है जैसा बाकी राज्यों में और स्मार्ट सिटीज़ में बताया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि जैसे वादे किए गए हैं ज़मीनी हकीकत पे भी सरकार उन सब में कामयाब रहे। नंबर 3, दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर राजस्थान। जी हाँ, ये लिस्टिंग राजस्थान के मेगा प्रोजेक्ट्स की हो रही है लेकिन दिल्ली अहमदाबाद में से तो कोई भी राजस्थान में नहीं है, लेकिन एक शहर है जिसका नाम है उदयपुर। दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर राजस्थान के उदयपुर से होता हुआ जा रहा है, लेकिन इससे उदयपुर को क्या फ़ायदा होगा? सबसे मुख्य और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उदयपुर वासी जो पिछले 21 सालों से वहाँ ब्रॉडगेज की मांग कर रहे थे वो आखिरकार इस रेलवे प्रोजेक्ट के वहाँ तक पहुँचने के बाद पूरा होगा। ये पूरा रेलवे कॉरिडोर करीबन 886 किलोमीटर लंबा है और बुलेट ट्रेन के उदयपुर तक पहुँचते ही काफ़ी चांसेस हैं कि वहाँ की रेल कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर होने लगेगी।
टूरिज्म और रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट तो जाहिर सी बात है कि बुलेट ट्रेन के वहां पहुंचते ही जरूर बढ़ेगा। साथ ही DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट भी राजस्थान से होकर गुजरेंगे और इस तरफ की डेवलपमेंट को काफी बेहतर तरीके से एक नया रूप और एक नई रफ्तार दे सकते हैं। नंबर 2, उत्तर प्रदेश जिवार एयरपोर्ट। तो नंबर 2 के लिए अब हम जाएंगे अपने आखिरी राज्य यानी उत्तर प्रदेश में, जहां पर नोएडा से महज 56 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में बनेगा ये जिवार एयरपोर्ट, या जिसे पूरा होने के बाद नोएडा एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाएगा। इस एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाने का प्रस्ताव है। साल 2022-2023 तक इस एयरपोर्ट में 2 रनवेज बनाने का प्रस्ताव है, जिसे उसके बाद एक्सपेंड कर 7200 एकड़ में 6 रनवेज का कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो भारत के साथ साथ दुनिया के भी सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल हो जाएगा। पहले फेज में ये एयरपोर्ट 1 साल में 5 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करने की कैपेसिटी रखेगा, जिसकी कैपेसिटी पूरा एक्सपेंड होने के बाद 60 मिलियन पैसेंजर्स तक हो जाएगी। पूरे एयरपोर्ट के तैयार होते ही इसे नेशनल हाईवेज, नोएडा मेट्रो और दिल्ली मेट्रो से भी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी दी जाएगी। इस एयरपोर्ट की लोकेशन भी इसके लिए सबसे बेहतर होने वाली है, क्योंकि ये दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा सभी ही जगहों से आसानी से एक्सेसिबल होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी होगी कि इसके बनने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो भार बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि आज भी इन सब जगहों के लगभग सारे ट्रैफिक को अकेला दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही हैंडल कर रहा है। नंबर 1, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश। गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक प्रपोज्ड सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे है, जो कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में बनेगा। बनने के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है। साल 2019 में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ द्वारा इस प्रोजेक्ट को फिर से लॉन्च किया गया था, क्योंकि सबसे पहले इसे साल 2007 में उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती द्वारा प्रपोज किया गया था। पिछले साल योगी आदित्यनाथ के रिलॉन्च करते ही कुछ समय बाद UP के प्रयागराज में इस प्रोजेक्ट को लेकर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे कुल 2 फेजेस में बनाकर तैयार किया जाएगा, जो कि मेरठ और प्रयागराज के बीच होगा। पहले फेज में ये एक्सप्रेसवे मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा, कन्नौज, उन्नाव, बरेली, प्रतापगढ़ जैसे कुल 13 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा, और फेज 2 में कुल 2 सेक्शंस बनाए जाएंगे, जिसमें पहला सेक्शन 110 किलोमीटर और दूसरा 314 किलोमीटर लंबा होगा। बनने के बाद दोनों फेजेस की कुल लंबाई 1022 किलोमीटर तक हो जाएगी। इसी साल फरवरी में 2000 करोड़ रुपए इसके पहले फेज की शुरुआती कंस्ट्रक्शन के लिए एलोकेट कर दिए गए हैं, और इसी साल के अंत तक इसके पहले फेज का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगा, जो शायद साल 2025 तक पूरा हो सकता है, जिसके बाद इसके दूसरे फेज का कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। तो फिर खैर, इस पूरे प्रोजेक्ट के बनने में अभी समय है, और देखते हैं कि क्या तब तक इस प्रोजेक्ट में वापस से कोई बदलाव किया जाता है या नहीं। तो आपको भारत के इन नॉर्दर्न स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज की मेगा प्रोजेक्ट्स में से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया, या फिर आप इनमें से किसी राज्य से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।